गणेश चतुर्थी से नीमच में भगवान गजानन की मूर्तियों को निखारने का काम कोलकाता के कारीगर कर रहे हैं। नीमच से आकर्षक मूर्ति की डिमांड राजस्थान सहित अन्य जिलों में हो रही है। शहर में गणपति के आगमन को लेकर भी भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है। श्री गणेश चतुर्थी को लेकर शहर में तैयारियां जोरों शोरों पर है। कोरोना महामारी के बाद इस साल मूर्तिकारों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर में कोलकाता के कारीगरों द्वारा तैयार की गई भगवान श्री गणेश की भव्य व दिव्य प्रतिमाएं इंदौर के अलावा राज्य के अन्य शहरों में विराजमान होगी। इन कलाकारों की बनाई विद्रहर्ता गणेश की, महाकाल और पृथ्वी पर्वत की भव्य मूर्तियां गणेश जी चूहे को सहलाते हुए लोगों को खूब लुभा रही है। 31 अगस्त को घरा और पंडालों में विद्रहर्ता विराजमान होंगे। नीमच में बन रही मूर्तियों की डिमांड शहर के अलावा आसपास राजस्थान के शहर में भी है। यहाँ के कारीगरों को जिले की तहसील क्षेत्र के अलावा निम्बाहेड़ा, बेगू, प्रतापगढ़ से भी ऑर्डर मिल रहे हैं। खासकर इसमें नृत्य करते हुए गणेश बालाजी, रणजीत हनुमान, शिव पार्वती, मोर, हाथी सहित महाकाल और पृथ्वी पर्वत हनुमान की मूर्तियों की डिमांड खूब हो रही है। मूर्तिकारों का कहना है कि पिछले 40 सालों से मूर्तियों को गढ़ने का काम कर रहे हैं। गणेश चतुर्दशी के 3 महीने पहले मूर्तियों को तैयार करने का काम शुरू कर दिया था। पिछले 3 सालों में कोरोना के कारण मूर्तियां बनाने का काम पूरी तरह बंद था। शहर में कहीं से भी कोई ऑर्डर नहीं मिल रहे थे, लेकिन इस वर्ष पूरे सभी जगह से ऑर्डर मिले हैं। इस साल नीमच शहर में विजय टोकी चौराहा, लायंस पार्क और दशहरा मैदान में करीब 18 से 25 फीट तक के गणेश जी विराजमान होंगे।